सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रीत व्लॉग। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं मैं आरएस के ऊपर एक इंटरेस्टिंग वीडियो। और बाहर जो आप लोग थंबनेल में पढ़ के आए हो कि मतलब जिंदगी की सबसे बड़ी गलती, तो ऐसा क्यों लिखा हुआ है उसका रीज़न भी बताऊंगा, और हो सकता है कि भाई अब मैं आरएस को सेल भी कर दूं तो वो सारी चीज़ें भी आपको बता दूंगा। सबसे पहले आज हम इस वीडियो में देखेंगे, भाई देखो ये कितनी चली आप देख लो, 7646 किलोमीटर इसकी। अभी परसों इसकी थर्ड सर्विस हुई है। मौसम देख के आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा मतलब वेदर ऐसा सही हो रहा है तो मैं शूट नहीं कर पाया, थोड़ी मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी। तो इसकी थर्ड सर्विस के अंदर पैसे लग गए लगभग कहीं ना कहीं 3000 रुपये। 3000 कैसे लगे हैं वो मैं आपको बिल वगैरह दिखा के बताऊंगा। 3500 के आसपास का इसका जो बिल है वो बना है। और एक शॉकिंग न्यूज़ जो सबसे ज़्यादा मतलब डराने वाली है, 7646 किलोमीटर पर इसके अंदर नए क्लच प्लेट डल के आई है आपकी बार सर्विस पे। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार मतलब क्लच प्लेट फिर से डल गई, अब देख लो भाई सेकंड टाइम इसके अंदर क्लच प्लेट डली है 8 महीने के अंदर अंदर, तो क्या पूरा सीन था उसके बारे में बात करते हैं। बेसिकली गाइस क्या सीन हो रहा था, 5000 किलोमीटर चलने के बाद जब हम बाइक को पुल कर रहे थे, भगा रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे आपका क्लच है, मैं आपको बताता हूँ क्लच जैसे यहाँ पे यूजुअली बाइक यहाँ चल जानी चाहिए, बट ये कहाँ पे चल रही थी, यहाँ पे आके। यहाँ पे एक आधी बारी एडजस्ट करवाना भी चाहा, शोरूम ले जाके दिखाया भी उन लोगों ने, कर भी दिया एडजस्ट, इस बात में मैं मन नहीं करता कि एडजस्ट नहीं करा, बट उसके बाद भी पिकअप परफॉर्मेंस को लेकर मज़ा नहीं आ रहा था बाइक चलाने में। हमने कहा भैया चेक करो, चेक करवाई, और चेक करवाने के बाद भाई शोरूम में इतना ड्रामा हुआ जिसकी कोई हद नहीं है। उन लोगों ने मुझे सर्विस करके बाइक हैंड ओवर कर दी, मैं लेके चला, मुझे रास्ते में फिर पिकअप की प्रॉब्लम आई, मैं फिर वापस लेके गया बारिश में भीगता हुआ। देन उसके बाद मैंने जाके उन्हें दिखाया, तो उनके किसी हेड बंदे ने इसकी क्लच प्लेट की पूरी असेंबली जो होती है वो चेंज कर दी। हालांकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज करिए, बट उसे चेंज करने के बावजूद जैसे अभी खड़ी हुई है ना, अभी भी इसके अंदर पावर पिकअप का प्रॉब्लम एज इट इज़ बरकरार है। एक छोटी क्लिप साइड में लगाऊंगा, कल इसको चलाते हुए मैंने रिकॉर्ड करी थी। अब चल ले ऑटो निकल जा, अभी भी ये वही सेम प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, पता नहीं क्यों कर रही है, मुझे नहीं पता। अब मैं इसको इतना बर्दाश्त नहीं कर सकता भाई कि मैं हर तीसरे दिन इसको ठीक करवाता रहूं, कभी कुछ होता रहता है, कभी इसमें कुछ होता रहता है, कभी कुछ होता रहता है। अभी अंडर वारंटी है, जब इसके ये हाल है और कल के दिन को जब इसकी वारंटी खत्म हो जाएगी तब ना जाने क्या होगा। और थर्ड सर्विस के अंदर मैं आपको बताता हूँ इसमें कितना एक्सपेंस आया और क्या क्या चीज़ है। और थर्ड सर्विस में एक चीज़ और है, मेरे वाला पीछे का जो इंडिकेटर था ना, पता नहीं जो छोटे से पत्थर लगने थे इस पर क्रैक आ गया था, तो ये भी मैंने चेंज कराया। इसकी कॉस्ट आती है लगभग 560 रुपये का, सिर्फ एक आता है पेयर नहीं, 560 का एक आता है, 560 का एक और 560 के आगे के दो। तो ये भाई अपना कुछ बिल है, इस पर से कुछ जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ी सी हाइड करके रेस्ट चीज़ें मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। और अब की बार इसके अंदर थर्ड सर्विस पे इंजन ऑयल भी डला है भाई, मोट्यूल का इंजन ऑयल डला है, 20W50 इसके अंदर डलता है, डोमिनर वगैरह में 10W डलता है। और उसकी जो कॉस्ट आती है अगर आप बाहर से परचेस कर लेते हो 1000 रुपये मिल जाता है, मैंने शोरूम से ही ले लिया था तो 1200 रुपये का मिला था, 1300 1200 1200 1200 1200 रुपये का। अब भाई इतनी सारी चीज़ें इसके अंदर डली हैं, देखो सबसे पहले मोट्यूल का ऑयल ही डला है, ऊपर की साइड में नजर आ रहा होगा 1204 रुपये का, फिर ऑयल फिल्टर डलता है, फिर उसके अलावा एक रिंग डलती है, फिर इनलाइन फ्यूल फिल्टर क्विक मतलब वही जो फ्यूल को साफ वाफ करने के लिए डलते हैं वो सारी चीज़ें, फिर ये इंडिकेटर रियर का 553 रुपीज़ का, ये रहा 553 रुपीज़ का रियर का इंडिकेटर, फिर इसके पीछे के जो पैड थे वो भी ख़राब हो गए थे। और पैड के साथ साथ एक चीज़ और याद आ गई मुझे बिल में देख के, ये मास्टर सिलेंडर होता है यहाँ पे, ये पूरा मास्टर सिलेंडर होता है, इससे पीछे का ब्रेक लगता है, ये भी ख़राब था इसका, ये भी बड़ी मुश्किल से अंडर वारंटी में चेंज हुआ, पीछे की ब्रेक ही नहीं लगती थी इसकी, जो मैं आप लोगों से कहानी करता था कि इन बाइकों की पीछे की ब्रेक अच्छी नहीं है, इसका मास्टर सिलेंडर ख़राब था इसलिए बेकार थी, वरना उसकी ब्रेक देखो चाहे अगली देख लो चाहे पिछली देख लो ऐसी है जहां मार दो वहीं खड़ी हो जाती है। अब इसकी भी ब्रेक बहुत अच्छी हो गई है, ब्रेक के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट फिर अगले पेज पे भाई इसकी ये क्या चीज है, लेबर चार्ज है, ये इंडिकेटर लगाने के लेबर चार्ज, इंडिकेटर लगाने के लेबर चार्ज देख लो जरा, कंज्यूमेबल चार्जेस 100 रुपए लगते हैं इंडिकेटर लगाने के, चलो ठीक है। और इंडिकेटर लगाने में करना कुछ नहीं था, इसके नीचे बस एक पेंच है यहाँ पे, इधर की साइड में देखो, यहाँ से देखो ये बोल्ट चेंज कर खोल के दूसरा इंडिकेटर लगा के और ये वायर अंदर जाए कनेक्ट करिए, सिर्फ दैट्स इट। इंजेक्टर चेंज किया था तो उसका कोई इस काम को जो क्या कहते हैं मास्टर सिलेंडर की, ये जो पीछे का जो मास्टर सिलेंडर चेंज हुआ है ये इसका वारंटी कार्ड कह सकते हो आप, या फिर ये जो 399 रुपए की चीज के लिए थे, ये इनवॉइस था मतलब वो था इतने रुपए का, तो वो उन्होंने अच्छा, मतलब रिप्लेस किया है ना, अच्छा वो अंडर वारंटी रिप्लेस है बस, यहाँ पे अमाउंट लिखा हुआ है, ये पे थोड़ी ना करा था ना, पे नहीं किया। तो भाई ओवरऑल इसकी जो सर्विस कॉस्ट आई है लगभग कहीं ना कहीं आराम से 3000 रुपए के आसपास आ गई है। 3000 रुपए में से एक आधी चीज हमने लगवाई है, बाकी जो नॉर्मल एक बेसिक सर्विस चेकअप होता है वो सारी चीजें थी, और स्लीपर नहीं इसके इसके क्लच के एक डाली थी किट, जटर किट करके कुछ थी वो, जटर जजर की ऐसी करके कुछ था, मैं फोटो क्लिप ऐड वो कर दूं, फोटो चलो भाई देखो फोटो लगा देंगे
लौंडा बता रहा है कुछ जटर किट डली थी क्योंकि मेरी तबीयत अच्छे से ठीक नहीं थी तो मैं आ गया था ना, तो इसलिए मेरे को सारी चीज पूरी प्रॉपर डिटेल में नहीं पता इन्होंने करवाई थी रुक के। उन्होंने ये चीज कही थी कि जैसे मान लो जिन गाड़ियों में बार बार स्लीपर बोला था कि जिस गाड़ी के अंदर बार बार क्लच प्लेट फूक जा रही है ना तो उसके अंदर वो कुछ एक्स्ट्रा मतलब डाला गया है जो कि फायदा नहीं हो रहा ना उन सब चीजों को डलवा के भी फायदा कुछ भी नहीं हो रहा क्योंकि पता है सीन क्या हो रहा है गाइस। जैसे अपन इसको चलाते हैं ना चलाने के टाइम पे जैसे कि 5-6 हज़ार RPM पे बाइक रेव करेगी, रेव करने के बाद ऐसा लगता है कि शोर बहुत मचा रही है मगर पुल नहीं हो रही आगे को, मतलब पावर पिकअप जो है ना पूरा खत्म सा हो गया इसका। हाँ कुछ भी नहीं है पिकअप, कुछ भी नहीं है पिकअप, जीरो हो गया है। उस चीज से परेशान हो गया भाई मैं, आप लोग ये लगा लो मैंने आज तक 7,000 किलोमीटर में ना एक भी सर्विस इसकी टाइम पे नहीं हुई है। पहली सर्विस जो हुई थी वो 500 किलोमीटर पे हुई थी, दूसरी सर्विस इसकी 4,000 किलोमीटर पे करवा दी थी। 4,000 किलोमीटर से पहले 2,500 किलोमीटर पे इसकी क्लच प्लेट चेंज हुई थी तो इंजन ऑयल चेंज हुआ था, उस सर्विस का फिर इतना कोई मतलब नहीं बनता था बट फिर भी मैंने 4,000 किलोमीटर वाली सर्विस पे इंजन ऑयल चेंज करवा दिया था। उसके बाद थर्ड सर्विस इसकी होनी थी 10,000 किलोमीटर पे, शोरूम से कॉल आ रहा 7,500 पे कि सर्विस करा लो। मैंने कहा यार इसमें परेशानी तो आई रही है चल मैं करवा ही लेता हूँ, एक मेरे को पीस ऑफ माइंड वाली चीज मिल जाएगी, 10,000 पे भी करवानी है मैंने कहा चल 7,000 पे ही करवा लेता हूँ। 7,000 पे करवा लिया और अभी भी पीस ऑफ माइंड वाली चीज कहीं नहीं है। 2 दिन पहले सर्विस होकर आई है, कल सुबह की फिर अपॉइंटमेंट मैंने लगा दिया और कल सुबह इसको फिर लेके जाने वाला हूँ, मतलब इसको फिर से कल चेक करवाएंगे कि भाई इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, समस्या आ रही है। और क्लच प्लेट्स में अभी भी दिक्कत है भाई, बिल्कुल पिकअप नहीं दिखा रही है, बिल्कुल पावर नहीं दिखा रही है, पता नहीं क्या क्या नहीं है। अब भाई से ठीक भी करवा के बेचने का मूड बनेगा जहाँ तक उम्मीद लग रही है, जैसा भी कुछ होगा मैं आप लोगों को बताऊंगा। और भाई जो लोग RS लेना चाह रहे हैं प्लीज़ भाई एक बारी अच्छे से R&D कर लो बाइक के साथ। पता है मैं बताता हूँ सीन क्या है, अब काफ़ी लोग कहेंगे कि नहीं यार RS अच्छी बाइक है, ये है वो है, जो लोग पसंद करते हैं इनकी ड्रीम बाइक है। मैं बताता हूँ देखो भाई ड्रीम बाइक होना ठीक है, मैं मना नहीं करता ड्रीम बाइक है। अब एक बात सोचो कंपनी इसके अंदर पार्ट्स ही अच्छे यूज़ नहीं करेगी तो फिर कितना ही ड्रीम बना लो दिक्कत इसके अंदर आएगी ही आएगी। और अब एक चीज़ और बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी बाइक के बिहाफ पे इतनी बातें बोल रहा हूँ, इसके अंदर प्रॉब्लम आई है। एक भाई है इंस्टाग्राम पे वो कह रहे हैं उनका फ्यूल इंजेक्टर फूक गया, 3 हफ्ते पुरानी बाइक है, उनकी बाइक का भी जल्दी ओनरशिप रिव्यू मैं चैनल के ऊपर लाऊंगा बस थोड़ा सा ठीक हो जाऊं। एंड उसके अलावा एक अपने नोन में है भाई, उन्होंने क्लच प्लेट चेंज करवा दी, जो एक है भाई है जिनकी मैंने व्हाइट कलर की RS आपको दिखाई थी। उसके अलावा एक भाई है उनके पास NS थी, उनकी भी क्लच प्लेट चेंज हो गई है। तो इसका मतलब ये होता है कि सीधा सीधा सा कंपनी जो इसके अंदर पार्ट्स यूज़ कर रही है वो अच्छे नहीं यूज़ कर रही है, जिस वजह से बेकार है। मैं भाई रिकमेंड करूंगा कि भाई थोड़ा RS को देख लें, लेने से पहले ना थोड़ा सोच समझ लो, क्योंकि समझने वाली बात नहीं है। पता क्या है, जिस दिन आप इसकी टेस्ट राइड लेने जाओगे ना बहुत अच्छी चलेगी, उस टाइम तो बहुत अच्छी चलेगी, वाइब्रेशंस का कोई पता लगेगा ना ही आपको एक्सीलरेशन में कोई दिक्कत होगी। लेकिन जैसे वो कहते हैं ना यूज टू हो जाओ, जब आपकी गाड़ी थोड़ी चल जाए उसके बाद असली प्रॉब्लम्स का पता लगता है, क्योंकि जब तक ये नहीं रहेगी ना आपको ऐसा लगेगा बहुत स्मूथ चल रही है, इतनी स्मूथ चलती थी उस टाइम ऐसा लगता ही नहीं था कि बाइक में कोई दिक्कत है। और एक चीज और है, ये भी नहीं है कि इसको मतलब बहुत ही ज्यादा रफ चलाई होगी यार, जैसे इसको चलाते हैं वैसे उसको चलाते हैं वो खड़ी करते हैं ना, जितनी हम केयर करते हैं लिटरली यकीन मानोगे कि कोई भी चीज अगर छोटी सी भी खराब होती है ना टाइम से पहले ठीक हो जाती है। भाई मैंने चेंज किया, मैंने बोला कि अगर आपको कोई इशू लग रहा है कि क्या कहते हैं डिस्पैड घिस गई होगी, मैंने वो भी चेंज कर दिया। आप ये लगा लो इसके अंदर डिस्पैड ना, ये फिर से नए डले हैं, 4,000 किलोमीटर पे इसके अंदर डिस्पैड डले थे, अब फिर दूसरे डल के आए हैं और कितनी चली है 7,646 किलोमीटर। भाई 7,000 किलोमीटर पे दो बारी मुझे तो नहीं लगता कि डिस्पैट डलते होंगे। मैंने एक बारी डिस्पैट देखे इसके, क्योंकि यहाँ से अगर आप जैसे मान लो एग्जांपल के लिए यहाँ से आप डिस्पैट देखते हो ना तो देख के समझ में आ जाता है कि कितना लेदर बचा हुआ है कितना लेदर नहीं है। वही डिस्पैट मैंने उसके भी देखने चाहे, मैंने कहा यार चलाते तो हम उसे भी हैं, वो भी 2,500 किलोमीटर चल गई, उसका ना अगला डिस्पैट घिसा अभी तक ना पिछला घिसा है। अब काफ़ी लोग कहेंगे कि उसके महंगे आते हैं वो जो भी है, भाई देखो भले उसका महंगा आता है मगर चल अच्छा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, चलता है इसका भी ठीक था, पता नहीं क्या दिक्कत है भाई, हम तो परेशान हो गए भाई कसम से, मतलब परेशान भी ऐसा हो गए हैं कि ये है अगर ये इस पे सर्विस होके आ गई या कुछ भी इसमें काम होके आ गया ना 1,000 किलोमीटर या 1,500 या 2,000 किलोमीटर के बाद ये किसी ना किसी चीज की ना प्रॉब्लम इसमें 100% आनी है और ये दोबारा शोरूम पे जानी है। अब ऐसा क्यों है क्यों नहीं है भाई मुझे नहीं पता। अब इसकी तो स्टोरी यही है कि अब भाई ये बार बार इसमें दिक्कत आती है, खर्चा मांगती है कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। अब देखो क्लच प्लेट्स इसकी दूसरी डल गई 7,500 किलोमीटर पे। बस एक चीज का हमें यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि भाई हमने थोड़ा वहाँ पे ऊपर तक बंदे से बात बात करी, थोड़ा बोला बोला, हमें पैसे नहीं देने पड़े क्लच प्लेट के, बस इतना कहूंगा कि एक थोड़ा सा एक मतलब हेल्प मिल गई। हेल्प भी क्या मिल गई भाई, बहुत बोला उसके लिए भी बहुत, जिसे कहते हैं पता नहीं जो मुंह पे आया वो बकाए, जब जाके भी ये इतना काम हुआ और बाकी अभी भी चलाने में मजेदारी नहीं आ रही बाइक को। आपको मैं एक छोटा सा नमूना दिखाता हूँ, हल्का सा देखो मैं आपको हल्का सा एक बारी ना इसका क्लच छोड़ के दिखाऊंगा, ऐसा लगता है जैसे बाइक को किसी चीज ने एकदम मतलब कैच कर रखा, पकड़ रखा, जब चलने नहीं दे रहा। देखो अब देखो जैसे ढलान है ना, देखना ये देखो यहाँ पे ढलान पे, ये देखो इतने क्लच पे तो कुछ भी नहीं हो रहा, पीछे ही जा रही है। और अब मैं बढ़ाने जाऊंगा, देखो लग रहा है ना कितना प्रेशर देना पड़ रहा है, कितना मतलब कि बाइक के ऊपर स्ट्रेस है, बहुत सारा एक्सीलरेट करने पे बढ़ रही है आगे, पता नहीं आता क्यों हो रहा है यार।
समझ में नहीं आ रहा यार, हम तो परेशान हो गए कसम से। जिस हिसाब से आरएस की मतलब लोग कहते हैं ना ड्रीम बाइक। एक चीज और है गाइस, एक भाई ने मेरे को इंस्टाग्राम पे ना बहुत टाइम पहले जब इसकी क्लच प्लेट चेंज हुई थी ना, तो उन्होंने बताया था कि इसकी जो क्लच प्लेट्स हैं वो आपस में चिपक के चलते हैं, उनके बीच में ऑयल नहीं जाता, शायद इस वजह से खराब जाती है। तो इस बार क्लच प्लेट उन्होंने दूसरी डाली है जिसमें रिंग कुछ टाइप का डाला उन्होंने, जिससे कि उसमें थोड़ा सा क्लच प्लेट के बीच में रिंग डाल दिया, बहुत पतला था, अब जो भी थोड़ा सा गैप रहे और बीच में तो पूरा ऑयल का फ्रिक्शन अच्छे से आता है कि बढ़िया से चले, क्लच प्लेट जल्दी से खराब ना हो। बट फिर भी भाई क्या बोलूं मैं, इतना यहाँ क्लच चल रहा है भाई, इसका यहाँ चल रहा है क्लच। अब काफी लोग कहेंगे क्लच एडजस्ट करा लो, भाई क्लच दो तीन बार एडजस्ट ऑलरेडी करवा चुके हैं। अब भाई कल इसकी फिर सुबह की अपॉइंटमेंट लिया है, अब दिखा के आते हैं क्या दिक्कत होती है क्या नहीं होती है। अब अगर लास्ट टाइम है भाई, अगर अब इतना परेशान करा अभी फिर सोल्ड आउट होगी, फिर ये नहीं रखेंगे हम, क्योंकि भाई इतनी सरदर्दी पालने के लिए थोड़ी बंदा बाइक खरीदता है। इसलिए जो आरएस लवर है ना, प्लीज थोड़ा सा देख लेना लेने से पहले, ऐसा नहीं है कि भाई मेरी बाइक बेकार है डिफेक्टेड है। पहले मुझे भी लगता था कि हाँ डिफेक्टेड है बेकार है, बट ऐसा नहीं है, ये जो जेन्युइन बात है ये बजाज ही मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, बेकार बाइक बना रहा है, जो बात है जो मानना पड़ेगा। खैर करते हैं वीडियो क्लोज, ठीक लगा हो तो लाइक कर सकते हो, और अगर इन्फॉर्मेशन कुछ मिसमैच हो रही हो मेरे से तो बता देना, और अगर आपकी बाइक के साथ भी कुछ ऐसा हो रहा तो प्लीज़ मुझे एक बार मेल करके अपना एड्रेस वगैरह देना, अपन मिलकर वीडियो बनाएंगे और सबके साथ शेयर करेंगे, जिससे कि भाई आने वाले फ्यूचर में कोई अपनी बाइक के ऊपर 1.5 लाख रुपये खर्च करे। 1,86,000 रुपये की हो गई है, अब इतने पैसे खर्च करे तो उसको प्रॉब्लम ना आए।